अभी तक कॉलेज भवन नहीं बन पाया, जिस कारण विद्यार्थी अब कॉलेज में एक टेंट के नीचे परीक्षाएं देने को मजबूर हैं। देखिए दतिया के इंद्रगढ़ से ये रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर इंद्रगढ़ में कॉलेज में परीक्षाएं इन दिनों टेंट लगाकर संचालित हो रही हैं। कॉलेज प्रबंधन ने प्रांगण में टेंट लगवाया और वहां कुर्सियां डालकर परीक्षाएं शुरू कराईं। बता दें कि तंबू के नीचे परीक्षाएं मजबूरी की परीक्षाएं हैं, वो इसलिए क्योंकि कॉलेज के पास परीक्षाएं कराने के लिए कहीं और जगह उपलब्ध नहीं है। 3 कमरे हैं लेकिन उसमें सामान रखा है। लगभग 1060 परीक्षार्थियों को कमरे के अंदर परीक्षा दिला पाना संभव नहीं है। खास बात ये है कि पिछले 3 साल पहले कॉलेज भवन के निर्माण के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, जगह को चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की लेट लतीफी के चलते अभी तक भूमि पूजन तक नहीं हो सका है। यही वजह है कि बच्चे सोमवार को टेंट के नीचे परीक्षाएं देते नजर आए। टेंट में सबसे पहली बात तो परेशानी इसी बात की है, लोगों की सेफ्टी की, क्योंकि बारिश होती है, सर्दी इतनी है कि लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। बारिश हो जाती है रात को या ओस भर जाती है टेंट के ऊपर, टेबलें पे ओस गिरती है, कॉपियां खराब होती हैं, कोई सुविधा नहीं है। बारिश हो जाती है तो जमीन कच्ची है तो गीली हो जाती है, बैठने की सुविधा नहीं है, बहुत कुछ ऐसी तकलीफें हैं, बीमार हो जाते हैं लोग, इतनी मौसम खराब चल रहा है। मतलब स्टूडेंट इतने सारे हैं और फिर परेशानी पड़ जाती है, रूम भी नहीं है, और भी 1060 स्टूडेंट की परीक्षाएं हुई थी तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो बस यही प्रॉब्लम है। और कमी पड़ जाती है, टेबलों की भी कमी पड़ जाती है, पेपर देने में दिक्कत होती है। इंद्रगढ़ कॉलेज में लगभग 600 से ज्यादा छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। हर साल ये संख्या बढ़ जाती है। कॉलेज में भवन के नाम पर केवल 3 कमरे हैं, जिसमें से एक में प्राचार्य कक्ष, एक में सामग्री भरी रहती है, केवल एक ही कक्ष खाली है जिसमें इतने बच्चे एक साथ बैठा पाना संभव नहीं है। शनिवार से जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा दिलवाने के लिए मजबूरन कॉलेज प्रबंधन को टेंट लगवाना पड़ा है। इससे छात्र और पर्यवेक्षक दोनों परेशान होते हैं। अभी शासकीय महाविद्यालय इंद्रगढ़ में भवन उपलब्ध नहीं है। हमारा जो है भवन मिडिल स्कूल द्वारा दिया गया है, जिसमें केवल 2 कक्ष उपलब्ध हैं, और यहाँ परीक्षा में लगभग 1000 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से हमें टेंट लगा के ही परीक्षाएं संचालित कराना पड़ रही है। क्या ये इसी तरह चलता रहेगा कि आगे की व्यवस्था बंद? नहीं, महाविद्यालय भवन जो है वो कामर रोड पे नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ है, संभवतः 1 साल के अंदर हमें नया भवन उपलब्ध हो जाएगा। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए दतिया से रवि रायकवार की रिपोर्ट।